देते हुए मैं ये सब बात करना चाह रहा हूँ कि हैदराबाद एंड तेलंगाना ये फेस्टिवल के टाइम में काइट फेस्टिवल बड़ा सा मना रहे हैं। ये सेकंड एडिशन है, पहला एडिशन जो लास्ट ईयर जो हुआ था वो बड़ी सक्सेसफुल रही, एंड सेकंड एडिशन में हम और ज़्यादा फॉरेन का काइट फ्लाइंग क्लब्स ला रहे हैं। उसमें 16 कंट्रीज से लगभग 100 इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स इधर आ रहे हैं। ये अपना देश में सबसे बड़ा कंटिंजेंट रहेगा। एक एक काइट 250-300 फीट तक रहेगा। वो सब देखेगा कि एज इफ अपना आसमान तक एक सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए लगाया टाइप्स, बड़ा फेस्टिवल टाइप काइट्स भी उसमें रहेंगे। पूरा 50,000 तक लोग ये तीन दिन शामिल हो जाएंगे। और ये पूरा फेस्टिवल जो है वो उसका प्रोसीड जो भी मिलता है वो गर्ल चाइल्ड के लिए, अपना लड़की पढ़ाई के लिए या उनको स्कॉलरशिप देने के लिए भी यूज़ करेंगे हम। और ये फेस्टिवल को दूसरा शहर में भी लेके जा रहे हैं। 16th को यादगिरीगुट्टा में लेके जा रहे हैं, 17th को वारंगल लेके जा रहे हैं। वो ये तीनों जगह तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के काइट फ्लायर्स आएंगे, और करीमनगर एंड महबूबनगर जबकि 19th एंड 20th को होगा, उधर नेशनल लेवल पार्टिसिपेशन होगा। एंड उसके बाद हम जो तैयारी कर रहे हैं तो ये सब मिला के हैदराबाद में जनवरी में जब तक एक अब तक तो बुक फेस्टिवल हो गया और कलाकृति का एक अच्छा सा कल्चरल परफॉर्मेंस का फेस्टिवल हो गया, एंड 15th जनवरी में एक अबू फेस्टिवल, ये डांस फेस्टिवल, दिस एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का 16 कंट्रीज से डांस परफॉर्मेंस आ रहा है। सो वो सब, एंड उसके बाद अपना एक लिटरेसी फेस्टिवल भी है। वैसे जनवरी पूरा एक फेस्टिवल सा माहौल हैदराबाद में रहेगा। पूरा दुनिया हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद में देखेंगे फेस्टिवल्स कैसा मनाते हैं। लोकल वाले भी, अपना हैदराबाद में इतना बड़ा फेस्टिवल्स हो रहा है वैसा वो पूरा हैप्पी रहेंगे। सो हैदराबाद को हम एंड तेलंगाना को कंप्लीट एक हैपनिंग एंड फेस्टिवल तरह माहौल बना रहे हैं। वैसे ही अक्टूबर में फिर से इंटरनेशनल लेवल पे बतकमा फेस्टिवल, जो पूरा महिलाएं अपना बेटी के लिए, बेटी की अच्छाई के लिए जो मनाते हैं, पूरा दुनिया भर ऐसा फेस्टिवल कोई नहीं है। सो ऐसा फेस्टिवल को हम 3 साल कर रहे हैं और अगले वर्षों में भी बढ़िया से करेंगे। दिस 2016 में जो हुआ था वो गिनीज बुक तक गया है, और इसको और बढ़ाते हुए जाएंगे कि पूरा दुनिया भर में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल यही रहेगा। पूरा दुनिया भर के महिलाएं वो फेस्टिवल देखेंगे, हम उधर जाएंगे, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे अगले सालों में। जबकि जो फेस्टिवल सब दुनिया भर में बड़े फेस्टिवल जो भी हैं उसमें सबसे बढ़िया फेस्टिवल है, एक है अपना बर्लिन में, तो उनको बोलते हैं दैट फेस्टिवल इज कॉल्ड, उसको बर्लिन अक्टूबर फेस्ट बोलते हैं। अक्टूबर फेस्ट में जहाँ बियर ड्रिंकिंग का फेस्टिवल है, या सामा फेस्टिवल ब्राज़ील में है, उसमें डांस फन एंड फ्रोलिक है, बस वो रैप टाइप फेस्टिवल है। जबकि बतकम्मा उस सदियों से आ रहा है, लगभग 1000 ईयर्स से, 1000 सालों से है, उसमें जब नहीं लिखा हुआ है, रजिस्ट्री नहीं है, बट जो लोग कहते हैं, बट एटलीस्ट 500 ईयर्स से रिकॉर्डेड हिस्ट्री भी है। तो उतना बड़ा फेस्टिवल, उतना अच्छा अच्छा सोचाई का, अच्छा देखभाल करने का, हिस्टोरिकल का है जो रूट्स है, ऐसा फेस्टिवल शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन ए लॉन्ग बिग वे। सो तेलंगाना टूरिज्म, तेलंगाना गवर्नमेंट अपना पूरा कोशिश इसमें लगा रखता है कि अगले सालों में तेलंगाना एंड हैदराबाद हैपनिंग प्लेस, फेस्टिवल प्लेस, जो दुनिया भर के लोग आएंगे, मनाएंगे, शामिल हो जाएंगे, और अपना लोकल्स भी जो एक्सपीरियंस उनको मिलता है आनंदित होंगे, और उनको
उनको एक्सपेंडिचर भी मिलेगा, उनको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और अपना एम्प्लॉयमेंट भी उनको मिल जाएगा। अब जो नया काइट फेस्टिवल आप जो मना रहे हैं, इसमें आपने नया क्या सोचा है, किस तरह से आप अट्रैक्ट करेंगे लोगों? वही जो बोल रहे हैं जी, हैदराबाद का सदियों से ये ट्रेडिशन रहा है कि संक्रांति के टाइम में पतंग उड़ाएंगे। ये पतंग उड़ाने का जो ट्रेडिशन है आपका नहीं है। एंड यहाँ का दैट टाइम, अभी जनवरी जो टाइम रहता है, ऐसा गुड विंड फ्लो रहता है और दूसरा कहीं जगह इंडिया में नहीं रहता। हम नहीं बोल रहे हैं, गुजरात के जो काइट फ्लाइंग क्लब्स लास्ट ईयर जो आए, ये साल भी जो आ रहे हैं, आप उनसे भी पूछिए, वो लोग सर्टिफाई कर रहे हैं कि यहाँ का जो विंड फ्लो रहता है दैट इज़ वेरी गुड फॉर काइट फ्लाइंग। तो या और आज हम कर रहे हैं एक 12th में नाइट काइट फ्लाइंग का भी कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट टाइम इंडिया में पहली बार रिमोट कंट्रोल नाइट काइट फ्लाइंग कर रहे हैं। ये इंडिया में कभी नहीं हुआ। और सिंगापुर से 10 काइट्स नाइट काइट फ्लाइंग का आ रहे हैं और इंडिया का 15 आ रहा है। इसमें पूरा 25 नाइट काइट फ्लाइंग होगा आज रात में, वो 12th के रात में, 16th के रात में वारंगल में भी करने का सोच रहे हैं। सो ये एक अलग है। और मोर देन 1000 काइट्स ऑफ बिग साइजेस विच आर नॉट देयर इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, वो सब इसमें आ रहा है। सो अगर आप देखेंगे 13th कल, अगर आप आके देखेंगे, जैसा हम पहले बताए थे कि एक बड़ा सा काइट है, लास्ट ईयर भी वो काइट हम फ्लाई किया था, उसमें 250 फीट तक ऊपर जाता है। एंड तो इस सीढ़ी कुछ पकड़ते हुए हम आसमान तक, वहाँ से जन्नत तक जा सकता है, वैसा दिखता है। सो ये सब हैदराबाद का विंड फ्लो से आता है। सो ये सब करके एंड पूरा स्कूल को, पूरा अपना जनता को इसमें शामिल करके इसको बड़ा सक्सेस करने के लिए हम तैयारी में हैं। Okay.